हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरेन्द्र पंत वर्किंग एज अ साइंस मैथ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। यू आर हार्डली वेलकम इन दिस चैनल। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 426 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपने पता करना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं और उसमें आपने विभाज्यता की जांच के नियमों को लागू करना है। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम 11 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो 11 की विभाज्यता का नियम है, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जाँच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर शून्य है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो इसका मतलब हम अब जानते हैं। देखिए, जैसे हमने ए भाग को हल करना है, हमारे पास प्रश्न है 5445। नियम आपने पढ़ा था दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, फिर उनका अंतर कीजिए, वह अंतर शून्य या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो दाईं ओर से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवा ये अंक कहलाएंगे विषम स्थान के अंक, अर्थात इकाई, सैकड़ा, 10,000, 10,00,000 ये अंक होंगे विषम स्थान के। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ये अंक होंगे सम स्थान के। तो सबसे पहले हम विषम स्थान के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। तो विषम स्थान में पहले स्थान पर अंक है 5, उसके बाद तीसरे स्थान का अंक है 4, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे मिलेगा 9। अब हम सम स्थान के अंकों का योग देखेंगे। अब देखिए, सम स्थान यानी दूसरे और चौथे स्थान के अंक हैं, दूसरे स्थान पर है 4 और चौथे स्थान पर है 5, तो 4 और 5 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9। अब हम विभाज्यता की नियमानुसार क्या करेंगे, इन दोनों स्थान के अंकों के योग का अंतर ज्ञात करेंगे। तो योग कितना कितना आया हुआ है, 9 और 9, तो आप क्या करोगे, 9 में से 9 को घटाओगे तो क्या मिल गया, 0। तो 11 की विभाज्यता के नियमानुसार यदि अंतर शून्य या 11 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो हमारा अंतर अभी कितना आ रहा है, 0, तो हम लिखेंगे चूंकि अंतर शून्य है इसलिए दी गई संख्या अर्थात 5445 11 से विभाज्य है। बी हमारे पास है 10824। तो सबसे पहले हम विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे। तो विषम स्थान यानी पहले, तीसरे और पांचवे स्थान के अंकों को आप लिखेंगे 4+8+1, यह हो जाएगा 13। इसी प्रकार सम स्थान के अंकों को आप जोड़ेंगे, सम स्थान में है 2 और 0, तो 2+0, 2 और 0 को ऐड करेंगे मिलेगा 2। अब हम देखेंगे अंतर। तो अंतर के लिए आपने क्या करना है, यदि विषम स्थान के अंकों का योग अधिक है तो उसमें से सम स्थान के अंकों का योग घटाएंगे, और यदि सम स्थान के अंकों का योग अधिक है तो उसमें से विषम स्थान के अंकों के योग को घटाएंगे। तो अभी कौन से स्थान के अंकों का योग अधिक है, अभी विषम स्थान के अंकों का योग अधिक है जो कि 13 है, और सम स्थान के अंकों का योग 2 है, तो 13 में से आप 2 कम करोगे तो मिलेगा 11। अब देखिए अंतर कितना आ रहा है, 11। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतर यदि शून्य अथवा 11 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो हमारा अंतर आ रहा है 11, 11 11 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे चूंकि अंतर 11 से विभाज्य है इसलिए दी गई संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे आंसर सी 7138965। तो सबसे पहले हम विषम स्थान के अंकों को देखेंगे, पहले स्थान पर है 5, तीसरे स्थान पर है 9, पांचवे स्थान पर है 3 और सातवें स्थान पर है 7, तो हम इन्हें जोड़ेंगे 5+9+3
प्लस 7, तो इन्हें जोड़ने पर आएगा 24। अब हम सम स्थान के अंकों को देखेंगे, 6, 8, 1, इन्हें भी ऐड करेंगे, 6 + 8 + 1, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15। अब आप क्या करेंगे, 24 में से 15 को घटाएंगे, 24 - 15 तो कितना आ जाएगा, 9। तो अंतर न तो शून्य आया और न ही 11 का गुणज आया, तो हम लिखेंगे चौं के अंतर शून्य अथवा 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए दी गई संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। डी 7 0 1 6 9 3 0 8। तो विषम स्थान में कौन कौन अंक हैं, पहले स्थान पर है 8, तीसरे स्थान पर है 3, पांचवें स्थान पर है 6 और सातवें स्थान पर है 0। तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे, 8 + 3 + 6 + 0, तो जोड़ने पर आ जाएगा 17। इसी प्रकार सम स्थान के अंकों को भी जोड़ लेंगे, तो सम स्थान यानी दूसरे स्थान पर है 0, उसके बाद 9, फिर छठे स्थान पर है 1 और आठवें स्थान पर है 7, इन्हें भी जोड़ेंगे, यह भी आ रहा है 17। अब हम क्या करेंगे, 17 में से 17 को घटाएंगे, तो 17 में से 17 को घटाने पर क्या मिलेगा, 0। तो आप लिखेंगे चौकी अंतर शून्य है, इसलिए दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। दिस इज आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ई हमारे पास है 1 0 0 0 0 0 0 and 1। तो सबसे पहले विषम स्थान के अंक देखिए कौन कौन है, 1 0 0 0, तो इन्हें आप जोड़ेंगे, 1 + 0 + 0 + 0, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे, 0 0 0 and 1, तो लिखेंगे 0 + 0 + 0 + 1, तो जोड़ने पर आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर ज्ञात करेंगे, तो 1 - 1, एक में से एक घटाओगे कितना मिलेगा, 0। तो आप लिखेंगे चौं की अंतर 0 है, इसलिए दी गई संख्या 11 से विभाज्य है। नेक्स्ट एफ हमारे पास संख्या है 9 0 1 1 5 3, तो विषम स्थान के अंक हैं 3 1 0, तो हम इन्हें ऐड करेंगे, 3 + 1 + 0 आ जाएगा 4। इसी प्रकार सम स्थान के अंक देखिए 5 1 and 9, तो इन्हें ऐड करेंगे, 5 + 1 + 9, तो जोड़ने पर मिलेगा 15। अब आप क्या करेंगे, अंतर, तो 15 में से 4 को घटाएंगे, 15 - 4 = मिलेगा 11। तो आप लिखेंगे चौं की अंतर 11 से विभाज्य है, इसलिए दी गई संख्या 11 से विभाज्य है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले प्रश्न को आप समझिए, आपने क्या करना है, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखना है, ऐसा अंक यहाँ पर लिखना है कि जो ये संख्या बनेगी वह 3 से विभाज्य हो जाए। अब इसके लिए आपको अंक क्या होते हैं यह आना चाहिए और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है यह भी आना चाहिए। तो अंक जो होते हैं वे 10 होते हैं, क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। दूसरा 3 से जो विभाज्यता का नियम है वह है
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब हम आते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान पर x संख्या को मान सकते हैं, लेकिन x मानने पर हमें यह बीजगणितीय विधि अर्थात एलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना होगा, जबकि एलजेब्रा यानी बीजगणित आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। इसलिए हम इस प्रश्न को प्रयत्न एवं त्रुटि अर्थात ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप जो ये शेष अंक हैं, इन्हें पहले जोड़ लेंगे। 6 + 7 + 2 + 4 यह आ जाएगा 19। सबसे पहले हमें रिक्त स्थान पर सबसे छोटा अंक ज्ञात करना है। तो रिक्त स्थान में हम सबसे छोटे अंक की जगह 2 लिखेंगे। उत्तर होगा सबसे छोटा अंक बराबर 2। अब हमने यहाँ पर सबसे बड़ा अंक ज्ञात करना है कि सबसे बड़ा अंक हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। सबसे बड़ा अंक ज्ञात करने के लिए आप 19 में 9 से उल्टे क्रम में इन अंकों को जोड़ेंगे। तो जैसे कि हम 19 में यदि 9 जोड़े तो यह मिलेगा 28। अब 28 3 का गुणज नहीं है, तो हमें अब 9 से एक अंक कम अर्थात 8 19 में जोड़ना होगा। 19 में 8 जोड़ने पर हमें मिलेगा 27 अर्थात 27। 27 3 का गुणज यानी मल्टीपल है, तो सबसे बड़ा अंक रिक्त स्थान में आ जाएगा 8। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न के दूसरे भाग को भी हल करेंगे। यहाँ पर जो अंक आपको दिए हैं उन्हें आप ऐड करेंगे 4 + 7 + 6 + 5 + 2, तो जोड़ने पर यह मिलेगा 24। अब हमें यहाँ पर सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो सबसे छोटा अंक ज्ञात करने के लिए आप इस योगफल में सबसे छोटे अंक से आगे की ओर जोड़ते रहेंगे और वहाँ पर रुक जाएंगे जहाँ पर संख्या 3 का गुणज होगी। तो अभी हमारे पास योगफल कितना है 24। तो 24 में हम 0 ऐड करेंगे तो मिलेगा 24। तो 24 यानी 24 3 का गुणज है। तो अब हम आगे को अंकों को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें सबसे छोटा अंक ज्ञात करना है। सबसे छोटा अंक 0 ही है, तो यहाँ पर सबसे छोटे अंक के लिए आप आंसर में लिखेंगे 0। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि सबसे बड़ा अंक यहाँ पर क्या होगा कि यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 24 जो योगफल मिला है इसमें 9 से नीचे की ओर जोड़ते रहेंगे और वहां पर रुक जाएंगे जहां पर हमें 3 का गुणज प्राप्त हो जाएगा। तो हम 24 में 9 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 33। तो 33 जो है 3 का गुणज है, 11 × 3 = 33 होता है। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर क्या आएगा, 9। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले हम विषम स्थान के अंकों का योग ज्ञात करते हैं। विषम स्थान में है 9, 3 फिर 1 छोड़ के 2, तो ये लिखेंगे हम 9 + 3 + 2 यह आ जाएगा 14। इसी प्रकार सम स्थान के अंक हो जाएंगे 8 और यहाँ पर एक अननोन अंक है उसको हम अभी छोड़ देंगे +9 = 17। अब हमें इनके योग का अंतर ज्ञात करना है, तो यह अंतर मिलेगा 17 - 14 = 3। तो इनके योग का अंतर आ रहा है 3। तो 11 से विभाज्य होने के लिए योग का अंतर आना चाहिए 0 या 11 से विभाज्य संख्या। 0 लाने के लिए हमें 3 में कितना जोड़ना होगा, 0 लाने के लिए हमें 3 में -3 जोड़ना होगा क्योंकि 3 + -3 = 0 होता है। तो रिक्त स्थान में -3 तो नहीं आ सकता है क्योंकि -3 कोई अंक नहीं है जबकि -3 एक पूर्णांक है।
तो ऋण तीन उत्तर नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे योग का अंतर 11 से विभाज्य अर्थात 11 बनाने के लिए हमें तीन में कितना जोड़ना होगा। तो 11 के लिए हम 11 में से तीन को घटाएंगे तो 11 में तीन घटाने पर आएगा 8। तो यहाँ पर की संख्या होनी चाहिए 8। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है विषम स्थान के अंक हैं 4, 4 और अज्ञात अंक। अभी हम अज्ञात अंक को नहीं लेंगे। विषम स्थान के अंकों का योग आ जाएगा 4+4 यानी 8। ऐसे ही हम सम स्थान के अंकों का योग करेंगे 8, 9 एंड 8। 8+9+8 यह आएगा 25। अब हम इनका अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर के लिए आप 25 में से 8 लेस करेंगे तो मिलेगा 7। तो यहाँ पर की संख्या अभी हमने नहीं ली है तो यहाँ पर की संख्या को लेने पर अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो 0 लाने के लिए हमें यहाँ पर -7 लिखना होगा क्योंकि 7 - 7 शून्य होता है। तो -7 एक पूर्णांक है न कि कोई डिजिट अर्थात अंक, इसलिए -7 तो यहाँ पर नहीं आ सकता है। अब हम देखेंगे अंतर 11 है कैसे आएगा। अंतर आ रहा है 7 और हमें लाना है 11, तो कितना और 7 में जोड़ना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, 11 में से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 4। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वह आएगी 4। तो रिक्त स्थान में आप लिख लेंगे 8 और 4। दिस इज आंसर। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।